Good morning, student. So let's start our second part of the story, A Gift of Chapels. हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि जो मृदु होती है वो अपनी दादी के साथ अपने आंट के घर जाती है और वहाँ वो क्या करती है कि वहाँ देखती है कि उसके जो कज़न ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं वो उसे दौड़ते हुए घर के पास पीछे साइड ले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने एक उन्हें कहते हैं कि हमें एक सुबह एक बिल्ली मिली है और उसको वो लेके आते हैं घर पे और उसके लिए वो दूध भी लेके आता है उसका जो कज़न ब्रदर होता है रवि। और देखिए उसके बाद आगे जो था रवि उसे बहुत ही बिल्ली के बारे में बताता है कि ये जो है इजिप्ट की मतलब ये डिसेंडेंट है करके ऐसी चीज़ें बताता है। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है इसमें आगे देखते हैं हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज वॉइस मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। यानी जब रवि इन चीज़ों के बारे में उनको बता रहा था बिल्ली के बारे में बता रहा था तो जो मृदुल और जो मीना होती हैं वो एक दूसरे को चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखती हैं और कहती हैं कि देखो कैसे मतलब रवि को अपनी खुद की आवाज़ और अपनी खुद की जो बातें हैं उसे खुद कितनी पसंद आ रही हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग मृदु डिमांडेड। मतलब कि उसने मृदु कहने लगी देखो व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग मतलब क्या करा जा सकता है इन सब चीज़ों के लिए। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट। तो रवि कहता मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये जो कैट है वो क्या है डिसेंडेंट है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड नो गॉडेस बेस या दैट्स इट। तो कहता है मैं बता रहा हूँ तुम्हें जो ये जो बिल्ली है ना वो कि एक पूर्व इजिप्टियंस के जो कैट है वहाँ की जो गॉडेस उनकी उनकी क्या है ये डिसेंडेंट है यानी पूर्वज है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवास शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबल्लीपुरम ऋषिज कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरेज हिज टोइंग एट महेंद्रन एम पी पोनीज हेयर वूप सीक ही श्रेक वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ। तो वो कहता है कि जो ये कैट है ना वो इसके पूर्वज हैं और इजिप्टियन के वाले जो कैट रहे हैं पहले इन्हें गॉड मानते थे और ये जो कैट है वो इजिप्टियन की डिसेंडेंट है। और एक वो उसने फिर एक और बताया कि एक और ऐसी एक और कैट थी जो मतलब गलती से महेंद्र जो महेंद्रवरम है के शिप में आ गई थी और ये वहाँ के ऋषि कैट की ऋषि कैट भी की थी जो इसी के डिसेंडेंट है ऋषि कैट की जो कैट थी उसी की डिसेंडेंट है और अपनी बातों से वो की बहुत ही ज़्यादा खुश हो। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड एंड ही जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अब जो महेंद्रन जो वो कैट थी उसका नाम उसने देखा कि कहीं से अलार्म मतलब कुछ आवाज़ सी आ रही है और वो उसने क्या करा अपने जो पंजे थे उसको कोकोनट शेल जो था उसमें खरोचने लग गई। बट वर्स देन रवीज आवरफुल ऊप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो वाटर वर्ट साउंड। अब जो उसने जब देखा जब रवि जो था रवि को भी बड़ी अजीब सी आवाज़ लगी कि देखो जो विंडो से कोई एक ऐसी अजीब सी आवाज़ आ रही थी जो कि रवि के कानों को भी अच्छी नहीं लगी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्लेट एम्पी पोनी वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज वेट्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड एंड ही बाउंस अप द स्क्रिड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ द रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। अब क्या हुआ कि जो कैट थी वो थोड़ा सा डर चुकी थी और वहाँ पे इन्होंने आंगन में ही रेड कलर की चिली जो है वो सुखाने के लिए डाली थी तो वो उसके ऊपर डर के मारे वो वहाँ पे उसमें कूद गई और अपने को उसमें उसने छिपा दिया ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट तो उसके अंदर नीचे छिप गई। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ म्यू म्यू और थोड़ा सा ऊपर उठ के और फिर कहने लगे म्यू म्यू और ही ऑल इट मिजरेबली मतलब मिजरेबली होता है कि दयनीय कंडीशन जो होती है उसको थोड़ा सा डर भी लगा। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। मृदु ने कहा कि ये क्रिचिंग जो अजीब सी जो साउंड थी वो बार बार आ रही थी ये हो क्या रहा है। मृदु ने ये कहा दैट्स ललीज लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि। तो जो रवि था उसने कहा ये ना लल्ली की वायलिन बजाने की आवाज़ है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग्स
द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोस ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लली इज ऑल द टाइम डिरलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. तो उसने ये कहा कि जो ये जो है ना आवाज़ जो है वो लल्ली के वायलिन सीखने के आ रही है, जबकि जो म्यूज़िक जो मास्टर है ना वो उसे जैसे एक ट्रेन की आवाज़ होती है बहुत ही अच्छी धीरे धीरे स्लो चलने वाली, वैसे उसको सिखाते हैं, लेकिन वो बार बार वो ऐसा बजा देती है कि वो अपने ट्रैक से जैसे कि ट्रेन अपने ट्रैक से उतर गई हो, वो इतना बुरा बजा देती है अभी वो, क्योंकि वो सीख रही है, वो ऐसा कहती है. नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, यहाँ पे अभी देखो सेकेंड दे रखा है, तो अभी देखिए इसमें है कि मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो, लली वॉज सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे अवेक वज होल्डिंग हर वायलिन एंड बाउस्ट्रिंग हर एल्बो जुटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज विद द कंसंट्रेशन. जो मृदु थी ना वो उसने उस वहाँ पे जो खिड़की जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ से झांक कर देखा, उन्होंने देखा कि जो लल्ली है वो थोड़ी दूरी में बैठी हुई है और बड़ी ही अवेकवर्डली मतलब बड़े भद्दे ढंग से बड़े बेकार ढंग से उसने जो अपना वायलिन है वो पकड़ा हुआ था अपनी उसकी जो एल्बो थी मतलब जो अजीब ढंग से उसने उसको क्या करता मोड़ रखा था और उसने और उसकी जो आंखें थी वो लगातार कॉन्सेंट्रेटली मतलब किसको अपने जो गुरु वहाँ पे बैठे थे उनके उनको देख रही थी कि वो कैसे बजा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ हर जो उसके सामने बैठे हुए थे. विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर ही हैड अ मोस्टली बेल्ड हेड विद द फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज एयर एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. अब जो उसके जो मास्टर थे हालांकि उन लोगों को दिख नहीं रहा था लेकिन आधा ही दिख रहा था कि जो उसके क्योंकि वो मास्टर की जो पीठ थी उनके वो उसी दीवार में थी जहाँ पर वो लोग पीछे से खिड़की से देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो मास्टर जी हैं उनके सर में बहुत कम बाल हैं और उनकी जो पोनी है उन्होंने सर में तेल डाला हुआ है और उनकी जो पोनी है वो थोड़ा सा कैसी है पुराने ओल्ड फैशन की है बहुत पुराने फैशन की टाइप की उनकी पोनी है. एक गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लिटरली नेक और उनकी जो उनका जो गला है उसमें एक सोने की जो चेन है वो लटक रही थी एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड एंड एज इट ग्लिटर्ड अप एंड डाउन टू द स्टेम ऑफ द वायलिन. और उन्होंने देखा कि उनकी जो हाथ में थी सोने की अंगूठी थी और उसमें जो था और जो उनके जो हाथ में थी वो गोल्ड की अंगूठी थी और जब वो गिटार ऊपर नीचे ऐसे करके बजा रहे थे तो वो जो थी वो चमक रही थी. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बोर्डेड वेस्टी एज और उनकी वो ही थी जो सोने की जो अंगूठी थी मतलब वो जो वो देख रहे थे कि क्या कर रही थी उनकी चेन जो है गले में थी और वो चमक रही थी उनकी अंगूठी. उन्होंने ये बताया एंड ही वॉज बिडिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो और इन्होंने ये बताया और उनके जो पैर थे वो उनकी धोती से मतलब धोती में से ढके हुए थे जो गोल्ड बॉर्डर की गोल्ड सुनहरे कलर की उसमें बॉर्डर था उनकी धोती में उससे लगे हुए उसमें मतलब उससे ढके हुए थे. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो और जैसे मतलब वो रिदम के साथ साथ क्या करते अपने पैरों को पटक रहे थे किसमें मतलब कि ज़मीन पर. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स और वो कुछ जो हैं कुछ नोट्स मतलब बजा रहे थे. लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन और लल्ली जो है वो क्या कर रही थी उनको फॉलो कर रही थी उनके पीछे पीछे जैसे सर उसके बजा रहे थे वैसे वो भी उसको उनको फॉलो कर रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रहा था एंड अनहैप्पी इन हर हैंड और मतलब वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रही थी क्योंकि वो थोड़ा अनईजी सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी. वट अ डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड द सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी मतलब वो कह अब वो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कितना मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था कि जो म्यूजिक मास्टर थे उनके जो नोट्स जो यानी जो बजा रहे थे वो तो ऐसा लग रहे थे कि स्वर उनके जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं हवा में तैर रहे हैं ऐसा इतने परफेक्टली उनके लग रहे थे और उनकी जो मतलब मेलोडी थी वो बहुत अच्छी इनविजिबल जो मेलोडी आ रही थी वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी.
इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग सम स्मूथली इन टू द ट्रेल. और ऐसा लग रहा था कि वो जो कोई जो ट्रेन है उसकी जो पहिए हैं वो परफेक्टली रेल मेरे ट्रैक में परफेक्टली स्मूथली से चल रहे हैं. एंड वीजिंग अलोंग एज रवि सेड. रवि ने ऐसा कहा कि देखो वो इतना अच्छा बजा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई जो ट्रेन है वो स्मूथली ट्रैक में चल रही है. मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज एंड ब्रिंग हैंडेड मूविंग एफोर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक. और जो मृदु थी वो ये सारी चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें जो देख रही थी और उसने क्या करा तो उन्होंने उसने ये देखा कि और लल्ली ने देखा कि जो म्यूज़िक मास्टर है मतलब इतने एफर्टलेसली मतलब ज़्यादा मेहनत ना करते हुए क्योंकि वो तो क्या थे एक्सपर्ट थे तो डेफिनेटली जो एक्सपर्ट होता है वो बड़ी कंफर्टेबली बजा लेता है अपने इंस्ट्रूमेंट को. तो वो इतने एफर्टलेसली मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हुए आराम से उसको बजा रहे थे और बहुत ही अच्छा लवली जो म्यूज़िक है वो प्रोड्यूस कर रहे थे. स्क्वैग देयर इज़ अ लल्ली डेरलिंग अगेन. और लल्ली जो बेचारी थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत मेहनत कर रही थी और बहुत उसे ऐसा लग रहा था कि जो इतनी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ तो तभी अम्मा ने कहा कि गेट में कोई आया हुआ है देखो वहाँ पे. रवि सेंड द बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडाज. जो घर के पीछे वरांडा था उसकी वहाँ से माँ बोलने लगी कि रवि जाओ गेट में देखो वो भिखारी फिर आ गया और उसको दोबारा से वापस भेजो. वेर शी वॉज चैटिंग विद तापी. जबकि उसकी जो माँ थी वहाँ पर बैठकर अपनी तापी के साथ क्या कर रही थी बातें कर रही थी. He has been coming here every day for the past week. And it is a time he founded another house to back from. Pati explained to Tapi. Pati ने मतलब उससे जो तापी थी उनसे बोला कि उससे बोलो कि जो अब ये उसे बहुत एक हफ्ता हो गया मतलब काफ़ी हफ्तों से वो यहाँ आ रहा है भीख मांगने के लिए और उससे अब बोलो कि जाए वो अब किसी और घर में जाके भीख मांगे. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना भी रवि के साथ पीछे पीछे वो मतलब उसका पीछे करते वहीं पर आ गए वो. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. बैगर जो था वो ऑलरेडी गार्डन के अंदर आ चुका था मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम और अपने को कंफर्ट घर पे मतलब ऐसे आया था उसे जैसे कि वो एक घर में आ गया. वो अपने घर में आया है क्वाइटली मतलब अपने को कंफर्ट फील करा रहा था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ्स अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीइंग अगेंस्ट हिज ट्रंक अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपेयर. और जो वो भिखारी था उसने क्या करा अपने जो अपने ऊपर का जो कपड़ा था उसको क्या करा उसने नीम ट्री के नीचे बिछा दिया. और उसके बाद उसने क्या करा कि वो मतलब जो उसका जो तना था वहाँ पे आराम से जाके मतलब लेट गया थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए. और फिर उसने क्या करा गो अवे सेड रवि स्टर्नली. रवि ने मतलब बहुत एक टाइट आवाज़ में कहा यहाँ से चले जाओ. माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. और मेरी क्योंकि मेरी पार्टी ने बोला है कि तुम अब दूसरा घर ढूंढो यहाँ से मतलब भीख मांगने के लिए अब तुम यहाँ से जाओ. द बैगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन. उसके बाद जो भिखारी था उसने अपनी आंखें खोली थोड़ी बड़ा करके और अपने जो वहाँ पे जो तीनों बच्चे थे उन बच्चों को एक एक करके ऐसे घूरने लगा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल. उसने मतलब ये कहा कि जो इस घर की जो औरत है जो लेडी है और थोड़ा सा उसकी मतलब जो आवाज़ थी वो थोड़ा सा दब गई थी चोक्ड हो गई थी और क्योंकि उसे बुरा लग रहा था. उसने कहा वो तो इस घर की जो औरत है वो तो बहुत ज़्यादा काइंड सोल है अच्छी आत्मा है मतलब बहुत अच्छी लेडी है. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. और मैं उनकी मतलब इतनी जेनरसिटी मतलब वो मुझ पर इतनी दया करती हैं इसलिए मैं अपने यहाँ पर आराम करने अपने को थोड़ा सा आ जाता हूँ. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वो टर्न मी अवे. और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये कह रही है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ. ही रेज हिज वॉइस. उसने मतलब अपनी आवाज़ को मतलब थोड़ा सा ज़ोर से बोलते हुए ये कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है. अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी
but it certainly wasn't fable. It began in a deep, strong rumble somewhere in the withered valley and came booming out of the mouth, what with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. जो भिखारी था ना, मतलब उसे बड़ा बुरा लगा उसकी बातें सुनकर, उसके मुंह में मतलब एक मतलब बहुत थोड़े से ही दांत थे, और उसने यही बोला कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ऐसा बोल रहे हो. रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल रुकुमनी. रुकुमनी जो थी उन्होंने उसने बोला, रवि उससे बोलो कि वो यहाँ से चले जाए, किचन में कुछ भी नहीं है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और यहाँ पर कभी ना आए. टेल हिम दैट, उसे बोल दो. शी साउटेड फेड अप, और मतलब वो फेड अप हो चुकी थी और वो इतने चिल्ला के बोली कि जाओ उससे बोलो. रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम टू हेयर. अब रवि को ये बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी जो मदर की आवाज़ थी वो इतनी लाउड थी कि वो भिखारी ने उसे सुन लिया था. देर अंडर द नीम ट्री द बैगर सेटअप एंड साय, मतलब वो अंदर जो बैठा हुआ था भिखारी नीम ट्री के नीचे, वो थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा दुखी सा हो गया. आई विल गो ही सैड वेल्थली, मतलब उसने बोला कि नहीं मैं चले जाऊँगा. ओनली लेट मी हैव रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, लेकिन मुझे थोड़ी देर यहाँ पे पेड़ के नीचे आराम करने के लिए दे दो. द सन इज़ सो हॉट, क्योंकि सूरज जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा तेज है. द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार लगी, मतलब जो कहते हैं ना कि तार का मतलब जो डांबर लगा रहता है ना, वो कहने लगा कि वो जो रोड है मतलब बहुत ज़्यादा धूप से मेल्ट हो रही है, गल गई है. और माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे जो पैर हैं वो ऑलरेडी क्या हो गए हैं, मतलब कि धूप से जल चुके हैं. सो